हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, और ग्रेविटेशनल में हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं उसको हमने देखा था। इसके पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। उसके बाद हमने देखा कि यदि कोई डिस्क दिया हुआ है और तो डिस्क के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? स्फेरिकल शेल हो सकता है या हॉलो स्फीयर हो सकता है एंड सॉलिड स्फीयर हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है। तो दोनों को हम वन बाई वन करके देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है। अर्थ भी क्या होता है? अर्थ इज नथिंग बट द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो हाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ वेरीज उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां सबसे पहले इसमें हम ये कंसीडर करेंगे, पहला जो टाइप होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी। समझ में आया ना? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले देखो रो वी लिखते हैं। रो वी का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी, और ये क्या होगा? टोटल मास, मास डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये आपको ध्यान देना है, इसको हम वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम मास डेंसिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें समझने के लिए। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि मास अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम, आई मीन यदि स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ ध्यान देना, समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज होगा यहाँ। अब देखो क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम क्या है? मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो रो भी जो होगा वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। कभी कभी रो भी जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट मास, तो वो भी पॉइंट हम देखेंगे कि यदि वॉल्यूम मास डेंसिटी वेरिएबल है तो मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ ये स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है? हमने मान लिया कि इसका रेडियस जो है वो क्या है? आर है, और इस पे मास क्या है? एम दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। अब जब मुझे फील्ड निकालना है तो यहाँ फील्ड दो पार्ट्स में पूछा जा सकता है। देखो ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसको आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा उसका फील्ड भी है, फील्ड का जो नेचर होगा वो आउटसाइड ऑफ स्फीयर जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा, और इनसाइड ऑफ स्फीयर क्या होगा? अलग होगा।
दोनों सिचुएशन में, तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले देखो हम पहला जो केस पढ़ेंगे यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड, आई मीन मैं इजी लिख देता हूं, इजी एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब देखो यही क्या है, कोई स्फीयर है, समझना इसको बहुत अच्छे से, एक ट्रिक याद रखना है, उसके बाद आसानी से तुम फील्ड लिख सकते हो, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां ये देखो अगेन, इस पे टोटल मास क्या है, मास जो है थ्रू आउट वॉल्यूम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। मुझे क्या करना है, इस स्फीयर के अंदर क्या है, कोई पॉइंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट क्या है, पी है, पी पॉइंट है, और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। उस पॉइंट पे क्या करना है, मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, इस आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस का एक हमने क्या किया, स्फीयर कंसीडर कर लिया, समझ में आया क्या, क्या कंसीडर कर लिया, स्फीयर कंसीडर कर लिया, और इस आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जो मास है उसको हमने क्या मान लिया, एम डैश मान लिया, ठीक है। एम डैश क्या है, मास ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बाई सिमेट्री देखो, ऑलवेज जो फील्ड होगा वो क्या होगा, हर पॉइंट पे, इस हर पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड जो होगा क्या होगा, टुवर्ड द क्या होगा, सेंटर होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो सॉलिड स्फीयर है वो दो पार्ट से मिल करके बना हुआ है, एक क्या है स्मॉल आर रेडियस के आउटर साइड जो मास है उससे, और दूसरा क्या है इनर साइड जो मास है वो, उसको हमने क्या कंसीडर किया है, एम डैश कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब मुझे फील्ड निकालना होगा तो देखो ध्यान से, इस फिगर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये मास है, ये वाला मास कितना हो गया, स्मॉल एम डैश, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और यही कोई पॉइंट पी है जो हमने कंसीडर किया है, या ये पॉइंट पी है, इसी पे मुझे क्या करना है, फील्ड लिखना है। बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और टुवर्ड्स द क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने ये पॉइंट बताया था, देखो ध्यान से कि ये जो स्फीयर है, मैंने ये बताया था, एक सेल्स थ्योरम होता है, अकॉर्डिंग टू सेल्स थ्योरम क्या होता है कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विल बी हैव लाइक ए पॉइंट मास फॉर एनी पॉइंट विच लाई आइदर ऑन द स्फीयर और आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो तुम यहां से देखना, इसको शायद हम ऐसे भी अब रिप्लेस कर सकते हैं बाई डेफिनेशन ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाद में लिख लेना सेल्स थ्योरम। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर यदि सी है, इसका भी सेंटर सी है, तो हम यहाँ सी पे क्या कर सकते हैं, इसके टोटल मास को एम डैश को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे फील्ड लिखना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस ही क्या हुआ, पॉइंट पी। सुनो ध्यान से, हमने क्या किया, जिस रेडियस पे फील्ड निकालना, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उस स्फीयर के अंदर जो मास है उसको हमने क्या माना, एम डैश माना। अब आउटसाइड जो मास है उसको हमने कंसीडर नहीं किया, यहां देखो ध्यान से, ठीक है, आउटसाइड मास है उसको हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्फीयर किया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आ रहा है, उसका मास क्या हो गया, एम डैश हो गया। अब हम जानते हैं सेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, उसके पॉइंट, उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कब, एनी पॉइंट आइदर आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर और ऑन दिस स्फीयर। तो अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया, और यहां तो आप जानते ही हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो कितना होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ईजी will be equal to, देखो क्या हो जाएगा, Eg will be equal to g m dash upon क्या होगा, r square, ठीक है,
इनटू हम क्या लिखेंगे, देखो आर कैप माइनस साइन यूज कर, ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, याद रखना है, देखो यहां से जी एम डैश अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम डैश क्या है, ये फिर यहां मैं लिख देता हूं, एम डैश क्या है, मास ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल, ठीक है। यहां मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, कैप का मतलब ये माइनस साइन, क्योंकि आर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा। अब आपको क्या करना है, एम डैश कैलकुलेट करना है। तो देखो एम डैश लिख सकते हैं, देखो यहां ऐसे सोच सकते हो कि 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम का मास कितना है, एम है, यूनिट वॉल्यूम का मास जो होगा वो क्या होगा, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो एम डैश कितना होगा, या इसी को एम डैश कितना होगा, 4/3 सॉरी एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से तुम देखोगे कि एम डैश का जो वैल्यू मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, एम अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो हम आसानी से देखो, अब ग्रेविटेशनल फील्ड हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, यहां जब तुम वैल्यू रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, ईजी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस जी एम, ठीक है, अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, इंटू हम लिख सकते हैं आर कैप, आर कैप आर यूनिट वेक्टर है। तो यहां देखो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, देखो यहां से सबसे पहले हमने क्या, ये याद रखना है कि जिस रेडियस पे या जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, उस रेडियस उस रेडियस का जो स्फीयर है उसके अंदर जितना मास होता है उसी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फील्ड में होता है, अदरवाइज फील्ड में उसके बाहर जो मास होता है उसका फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बस यही एक तुमको क्या करना है, पॉइंट याद रखना है, तो फील्ड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया बात, तो हमने क्या किया, देखो समझने के लिए जितने पॉइंट पी पे, पहले इनसाइड किसी भी पॉइंट पी पे मुझे फील्ड निकालना था, तो हमने क्या किया, स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक क्या है, एक वैसा स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, आर है, और एक जो स्फीयर है स्मॉल आर है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। दोनों के द्वारा ये याद रखना है कि ये जो आउटसाइड जो मास होता है, ठीक है, ये वाला जो मास होगा कौन सा, ये वाला, ए, ए, इनका फील्ड के कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जीरो होता है। इनके द्वारा ये जो मास होगा, इनके द्वारा जो फील्ड होगा, यहाँ बाई सिमेट्री क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूं यहाँ कि ईजी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जी एम अपॉन आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा, आर। ये याद रखना है, जब आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, आर हो जाए। तो यहां देखो ध्यान से, आईआईटी में कई बार इसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनसाइड क्या होगा, इनसाइड सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। देखो सेंटर पे लिखोगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ध्यान से, एट क्या होगा, एट आर इक्वल टू आर, सॉरी आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि मैं आर, ठीक है, अब मैं लिखूं एट आर इक्वल टू क्या होगा, आर, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईजी इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, दो पॉइंट। तो अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको क्या करना है, याद रख लेना है कि सॉलिड स्फीयर होगा, यदि कोई भी स्फीयर है उसके अंदर मास जीरो है, देखो
मास जीरो होगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से एम डैश यदि जीरो कर दें तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। तो देखो आउटसाइड ऑफ स्फीयर के लिए बाद में हम ये दो तीन पॉइंट नोट में लिख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो इसमें पॉइंट है कि दूसरा जो पॉइंट है क्या है कि केस सेकंड, ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये मेथड हम इंटीग्रेट करके भी इसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड जरूरी नहीं है। देखो ये स्फीयर है, ठीक है, इसमें मास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट p है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या है बेटा, कोई पॉइंट p है। अगेन इसका मास क्या है, m है, इसका रेडियस क्या है, r है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फॉर एनी पॉइंट, ये सेल्स थ्योरम याद रखना है, यहाँ नोट में लिख भी देता हूं, अभी बोला भी था कि अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेल्स थ्योरम स्फीयर का मतलब क्या होगा, सॉलिड और हॉलो। अकॉर्डिंग टू सेल्स थ्योरम स्फीयर विल, इसका प्रूफ भी है, जब स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, पॉइंट मास सिचुएटेड एट इट्स सेंटर फॉर एनी पॉइंट आइदर लाई आउटसाइड ऑफ इट और ऑन द सर्फेस। किसके लिए यार, फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है, एनर्जी लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को क्या करेंगे, उसके स्फीयर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे, जो मास कहां से सिचुएटेड होगा, इसके सेंटर पे होगा। तो देखो बहुत ही आसान हो गया, देखो हमने बहुत ही आसानी से क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब देखो सेंटर का आया सी है, तो टोटल मास को हमने कहां रख दिया, सी पे रख दिया, ठीक है, समझ में आया, यही सी है। इसे आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब तो ये पॉइंट वाला फॉर्मूला मालूम है यार, देखो eg मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, जी एम अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। समझ में आया क्या, यही पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना यार, कब, जब देखो m r क्या है, r इज ग्रेटर देन क्या, ठीक है। तो दो क्या हुआ, दो तुमको रिजल्ट मिल गए। अब दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। तो फॉर सॉलिड स्फीयर तुमको ये याद रखना है, क्या करना है, ये पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है कि फॉर सॉलिड स्फीयर, एक जगह मैं लिख देता हूं, इसको याद रखना। अब देखो नोट में यहां लिख देता हूं सबको एक जगह, फॉर सॉलिड स्फीयर क्या होगा, देखो eg इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर, कब, जब r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r होगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जब r क्या होगा, ग्रेटर देन r होगा, ठीक है। यहां तुम ध्यान से देखना, r इक्वल टू जीरो पे भी फील्ड क्या है, जीरो है,
और आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी क्या है, फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये होगा कि पहले फील्ड क्या होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, फिर मैक्सिमम हुआ होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ। ऐसे भी तुम शायद रिजल्ट ध्यान देना, मैंने यहाँ अंदर के लिए लिखा था एम डैश, आई मीन क्या होगा एम डैश, एम डैश कितना हो सकता है यार, एम के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऑन द सर्फेस ऑफ द क्या होगा स्फीयर, फील्ड जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, और उसके बाद क्या होगा कम होगा, और इन्फिनिटी पे अगेन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ग्राफ कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो देखो ध्यान से, यहाँ मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ ईजी किसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखना सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। और मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, यदि नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं अभी थोड़े टाइम के बाद। देखो तो ये क्या है, ईजी लिनियरली वेरी कर रहा है, तो ये लिनियरली वेरी करेगा। अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहां तक, देखो r इक्वल टू r, यही क्या होगा, तुमसे कोई पूछे कि ईमैक्स कितना होगा, तो यही ईजी मैक्स हो गया, और ईजी मैक्स कितना होगा तुम यहां से बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहां से देखो, ये कुछ ऐसे नेचर है क्या ऐसे, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, ईजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहां हमने ये लिखा ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, समझ में आया क्या, यहां हमने इनसाइड क्या है लिनियर, इनसाइड क्या होता है, देखो यही सेंटर है, दिस इज सेंटर, ये बेसिकली हमने क्या माना है सेंटर, ठीक है, इसी को हमने ओरिजिन मान लिया है। तो सेंटर से दिस इज आर क्या है रेडियल डिस्टेंस। तो इनिशियली देखो फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सरफेस पे कहां होगा क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद देखो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो गया इन्फिनिटी, आर जब इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट तुमको क्या करना है याद रखना है। इस अर्थ भी क्या होता है स्फेरिकल होता है, तो अर्थ के लिए भी ये क्या होगा रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा वैलिड होगा, समझ में आई बात। तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा जीएम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड के लिए क्या लिखेंगे, जीएम अपॉन क्या लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट आएगा उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, तो एक चीज यहां ये ध्यान देना है कि जो भी स्फीयर है जिस रेडियस पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस स्फीयर के जितना अंदर मास है उसी मास का क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाहर जो मास होता है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो तुमको क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। दूसरा इसमें जो पॉइंट है बी जो है वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो तुम समझ जाना है ग्रेविटेशनली, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ठीक है, समझ में आया, दोनों सेम चीज, बात वही है, दूसरा इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये क्या है, हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होगा, यहां जो मास होगा कहां होगा सरफेस पे होगा, समझ में आया ना। तो यहां यदि इस पे सरफेस पे क्या है मास m है, तो यहां हम लिख सकते हैं सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा m अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा m r स्क्वायर, ठीक है, ये सरफेस मास, सरफेस मास क्या है डेंसिटी। बेटा सारा पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, केवल तुमको क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्व करना है, थोड़ा एक बार पढ़ करके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका रेडियस क्या है आर है, ठीक है, ये क्या है टोटल मास, यहाँ भी मास जो है जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हम क्या मानेंगे मास जो है सरफेस पे क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई मीन मास
ईज क्या होगा? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? बात समझ में आया? मास जो है वो क्या है? यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? सरफेस पे मास है, अंदर मास नहीं है। अब सेल्स थ्योरम का दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये मैंने दो थ्योरम ऐसे कंसीडर किया है, और अभी जिस पॉइंट्स को हमने देखा था, क्या हमने देखा था? अभी हम कॉन्सेप्ट देखे थे, कि कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फिर इसको तुम समझना। कॉन्सेप्ट क्या अभी मैंने देखा था कि यदि ये स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये देखा अभी सॉलिड स्फीयर के केस में। देखो ध्यान से, यहाँ सॉलिड स्फीयर के केस में हमने देखा था कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कुछ क्या करना है, मुझे फील्ड लिखना है पी, ठीक है, पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है। तो हमको कौन सा मास चाहिए? इसके अंदर वाला मास, यही एम डैस। तो यहाँ मैंने ये बताया था अभी कि ई जी इक्वल टू क्या होगा? जी एम डैस अपॉन, मैंने क्या लिखा था? आर एस वाई। ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आप, मुझे बताओ, यही कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है? इसके अंदर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है। तो तुम देखो बेटा, पी पॉइंट पे को एक रेडियस, आर रेडियस का हमने क्या किया? स्फीयर ड्रॉ कर लिया। देखो तो यहाँ इस केस में मास क्या है? एम डैश क्या है? बताओ यहाँ एम डैश क्या है? मास यहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? सरफेस पे है। अंदर कोई मास है क्या? नहीं मास है ना यार। तो यहाँ एम डैश इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ इस केस में एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा? ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल विल बी ऑलवेज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? इसको भी हम सेकंड सेल्स थ्योरम बोलते हैं। सेल्स थ्योरम के सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द क्या होगा? ग्रेविटेशन, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। तो जब इसके अंदर आप किसी मास को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराओगे तो उस पर आपको कोई फोर्स कर एग्जर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? समझ में आया क्या? तो ये तुमको क्या करना, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमको कि जिस रेडियस पे फील्ड लिख रहा है उस रेडियस के अंदर कितना मास है? जी एम डैश अपॉन क्या हो गया? आर एस वाई। तो अब यहाँ भी हम ये कॉन्सेप्ट है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि व्हेन, ये इसमें भी दो पार्ट्स पढ़ेंगे, केस ए कि एट एनी पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द शेल। समझ में आया ना? इस केस में क्या हो जाएगा? देखो एम डैश क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? और ई जी क्या हो जाएगा? ई जी इक्वल टू जी एम डैश, अभी मैंने लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ में आया ना? तो शेल जब भी क्वेश्चन में तुमको कहीं दिख जाए कि शेल और हॉलो स्फीयर, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नल पॉइंट बोलते हैं उसको, हर जगह क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए क्या लिखोगे बेटा, बताओ? सेकंड जो केस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, ठीक है? तो शेल के बाहर कोई भी पॉइंट है, देखो ध्यान से,
ठीक है, इस पे अगेन मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस क्या है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि आउटसाइड के लिए किस तरह बिहेव करता है यार, पॉइंट की तरह। तो इसको हम ऐसे सोच लेंगे, सोच लेंगे क्या, इसके सेंटर पे एम को रख देंगे और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वो हम यहाँ फील्ड लिख देंगे। तो यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इनसाइड फील्ड जीरो, आउटसाइड जो फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या हो गया, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। याद रखना ये जो भी फील्ड है अलवेज क्या होगा, टूवर्ड द क्या होगा, आई मीन फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मैं ये बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अलवेज क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। जितने भी स्फीयर आई मीन किसी भी पॉइंट पे जब फील्ड लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अलवेज क्या होगा, वो टूवर्ड द क्या होगा, स्फीयर होगा। तो हमने ये देखा कि शेल और हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और आउटसाइड के लिए हमको क्या करना है, देखो किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल यदि मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो एक ही ट्रिक है कि किसी भी रेडियस पे आपको फील्ड लिखना होगा, तो क्या करो, देखो कि उस रेडियस के अंदर कितना मास है, यदि उसके अंदर जितना मास है दैट मास इंटू जी एम, जी एम डैश अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला याद रखोगे तो तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एम डैश क्या है, इधर देखो मैंने लिख दिया, एम डैश इज नथिंग बट द मास इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा, स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो अंदर क्या होगा, स्फेरिकल सेल के अंदर मास ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सेल के लिए मैं इस रिजल्ट को एक जगह लिख देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो देखो फॉर यहाँ लिख देता हूँ, फॉर नोट में, फॉर स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर दोनों के लिए वैलिड है स्फीयर, ठीक है, फॉर स्फेरिकल शेल एंड हॉलो स्फीयर, देखो ई जी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, कब, जब आर क्या होगा, लेस देन आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुम ग्राफ खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो, देखो इजी कहाँ, आर, तो देखो ये क्या है, अगेन मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ सेंटर, दिस इज सेंटर, और ये आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये डॉट का मतलब क्या हुआ कि इधर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगेन कोई पूछे कि सरफेस पे फील्ड क्या होगा, ईजी मैक्स कहाँ होगा, आर इक्वल टू आर पे होगा, और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ईजी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो गया, ईजी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, और आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। कई बार ये ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। यहाँ क्या है, ईजी वर्सेस क्या दिया हुआ है, ईजी वर्सेस आर, आर क्या है, अगेन मैं बता दूं, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस है। तो इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं भी आपको फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है बेटा, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि अंदर जो शेल के अंदर जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आउटसाइड क्या होगा, पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेंगे, पॉइंट मास की तरह, और फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको हम यूज करके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तभी हमने क्या देखा, स्फीयर के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सो दैट तुम्हारा डाउट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, और कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं, देखो कॉन्सेंट्रिक्स
ये तीन कॉन्सेंट्रिक सेल मैं कंसीडर करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ए बी सी, इसका मास मान लो कि m1, इसका मास क्या है m2, इसका मास क्या है m3, ठीक है। क्या है m1 m2 m3, ये क्या है कॉन्सेंट्रिक सेल, याद रखना। इसका रेडियस क्या है a, इसका रेडियस क्या है b, इसका रेडियस क्या है c, यहाँ लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रिक सेल। ज़्यादा कुछ नहीं, अब तुमको फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, पी, यहाँ एक क्यू, एक पॉइंट एक क्यू, और एक पॉइंट क्या हो गया आर, और एक पॉइंट मान लिया कि मैंने एस ले लिया, ठीक है, समझ में आई बात। क्या हमने किया, ये पी पॉइंट पे लिखा, क्यू पॉइंट पे लिखा, और क्या लिखा आर पॉइंट पे, और कहाँ लिखा एस पॉइंट पे। डिस्टेंस भी बता देता हूँ, ठीक है, को आई मीन एक में क्या है ए इससे छोटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ रेडियल डिस्टेंस कंसीडर कर लें, तो तुमको समझ में आया कि कहाँ कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है, पी क्यू आर और एस पॉइंट पे लिखना है। फाइंड फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी क्यू आर एस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। देखो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सेल दिया हुआ है और तुमसे पूछा गया है फील्ड। अब मुझे क्या करना है, देखो पहले पी पॉइंट पे लिख रहा हूँ ई पी, पहले कॉन्सेप्ट देखो, मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, ई जी इज इक्वल टू क्या होगा जी एम डैश अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, यही है ना यार, ए याद रखना है। एम डैश क्या है कि जिस जिस पॉइंट पे क्या करना है फील्ड लिखना है, उस आई मीन उस उसको यदि हम स्फीयर ड्रॉ कर लें तो उस स्फीयर के अंदर मास कितना है, ठीक है। तो पहले केस में यही एम डैश क्या है, एम डैश देखो यहां मैं लिख देता हूं, एम डैश क्या है मास ऑफ क्या है स्फीयर हैविंग, ठीक है, हैविंग रेडियस आर, क्या है हैविंग रेडियस आर। तो तुम बताओ P के लिए, देखो P के लिए क्या है, अब एट पॉइंट P, आई मीन मैं लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट ए लिखना है, केवल यही फॉर्मूला यूज करना है अपने को। तो एट ई जी एट क्या है पॉइंट P, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे ई जी, देखो तो इस केस में एम डैश यहाँ कुछ इसके कुछ अंदर मास है नहीं, है ना यार, सेल है, इसके स्फीयर पे इसके सरफेस पे एम डैश मास है, इसके सरफेस पे एम टू मास है, इसके सरफेस पे क्या है एम थ्री मास है, इसके अंदर कुछ मास है क्या नहीं, है ना। तो हम यहाँ क्या हो गया एम डैश इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, तो यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आई मीन इसके अंदर क्या है फील्ड जो होगा वो क्या हो गया जीरो हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई जी विल बी जीरो कब, जब आर जो होगा वो क्या होगा लेस देन क्या होगा ए, ठीक है, क्या होगा लेस देन ए, ये समझ में आया बात। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा जो हमने केस देखा है क्या है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे तुम बता सकते हो एम डैश का वैल्यू क्या होगा, बताओ एम डैश इक्वल टू एम वन लिख सकते हैं क्या, अरे इस रेडियस पे देखो, इस रेडियस पे कितना मास इनक्लोज्ड है इस रेडियस इस रेडियस आई मीन इस स्फीयर के अंदर कितना मास इनक्लोज्ड है, तो m1 है क्या, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो दूसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ कि एट क्या होगा एट पॉइंट ये लिख लो ई जी एट पॉइंट क्या पॉइंट q, देखो ई जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन अगेन क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या है देखो आर इज ग्रेटर देन क्या होगा इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी,
ठीक है, यही होगा ना यार। आई मीन आर क्या होगा, इसके और इसके बीच लाई करें। अब एम डैश का वैल्यू रख दो यहाँ, तो यहाँ एम डैश इक्वल टू क्या है, एम वन है क्या, तो एम वन रख दो, फिर आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ एम डैश, तो देखो ई जी इक्वल टू क्या होगा, जी एम वन अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सही है, कब, जब आर का वैल्यू क्या है, ए से बड़ा और बी से क्या है, छोटा है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि ई जी कहाँ लिखना है, एट एनी पॉइंट कहाँ, आर। ठीक है, तो आर पे अब देखो फॉर्मूला क्या है, बताओ। ई जी ऐसे लिख दें, ई जी इक्वल टू जी अगेन क्या लिखेंगे, एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, यही लिखेंगे ना बेटा। अब इस रेडियस, इस स्फीयर के अंदर देखो ध्यान से, इस स्फीयर के अंदर मास क्या है, क्या यार, एम वन प्लस एम टू है ना, अरे एम वन प्लस एम टू है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक ही ट्रिक में सारे फार्मूला हम लिख सकते हैं, सारे फील्ड। तो ई जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू एम वन प्लस क्या लिखेंगे, एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कब है, जब आर क्या है, देखो ध्यान से, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू क्या है, सी। अब एस पॉइंट पे पूछा गया है, एस पॉइंट का मतलब क्या होगा बता सकते हो तुम, एस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि जब आर क्या होगा, अब लिखेंगे क्या कि ई जी एट एस। ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ ई जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम डैश अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। अब तुम बताओ इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर मास कितना होगा यार, बताना, एम वन प्लस एम टू प्लस क्या होगा, एम थ्री होगा, बस हो गया। तो देखो, तो यहाँ एम वन इक्वल टू क्या होगा, एम डैश इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस क्या हो गया, एम थ्री। तो ई जी इक्वल टू क्या है, जी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये फील्ड का क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। समझ में आया क्या, ये तीनों केस में केवल देखो एक ही रिजल्ट तो है जिसको हमने यूज करके पूरा फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब सबको मैं एक साथ एक जगह लिख देता हूँ, देखो ये तुमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ देखो अब इसका जो आंसर होगा, देखो ई जी इक्वल टू जीरो कब, जब आर क्या था, लेस देन ए था। ई जी इक्वल टू जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, इज इक्वल टू क्या है, जी एम वन प्लस एम टू अपॉन आर स्क्वायर, कब, जब आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी, इक्वल टू जी इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, कब, जब r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, c। ठीक है, तो ये पूरा समरी हो गया तुम आसानी से। अब थोड़ा एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ और एक होमवर्क दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, अभी पढ़ाना ही है तुमको, इसमें वेरिएशन। ये समझ में आया, तो अब देखो दूसरा एक एग्जांपल देखो। जो भी पॉसिबल, एक सॉलिड स्फीयर है, देखो ध्यान से क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं आर मान लेता हूं चलो, और इसका रेडियस टू आर मान लेता हूं, सो दैट तुमको फील्ड कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, देखो कॉन्सेप्ट क्या, एक ट्रिक बताया हूं, वही तो ट्रिक यूज करना है यार, कुछ नहीं सोचना है। फिर इसका मास क्या दिया हुआ है, समझ में आया, ये मास जो दिया हुआ है कितना, एम दिया। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो आपको क्या करना है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, दोनों, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस
डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ, ठीक है, ये मैं लिखो इफ आर इज क्या होगा, लेस देन क्या है कैपिटल आर, बी में क्या है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू टू आर, सी में क्या है भाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है टू, तीन पॉइंट हो गया ना यार, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा तुम, ठीक है, समझ में आया, चलो देख लेते हैं इसको भी अगेन, बताओ कॉन्सेप्ट क्या है यार, वही अपनी पुरानी बातें क्या है जी, एम डैश अपॉन क्या होगा आर, आर स्क्वायर, एम डैश क्या है कि जिस रेडियस पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है उस रेडियस के अंदर उस स्फीयर के अंदर कितना मास इंक्लोज्ड है, बस यही सोच लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है बेटा इसमें, ठीक है, तो फटाफट बताते जाओ तुम लोग आंसर, है ना, फटाफट समझ रहे हो ना, हाँ, अब देखो तो हम वेन यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं, वेन जल्दी बताना, वेन आर इज लेस देन ए, तो पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखना है जी क्या होगा ई जी इक्वल टू जी एम डैश अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, अगेन एम डैश क्या है मास इंक्लोज्ड बाय स्फीयर हैविंग रेडियस सॉरी स्मॉल, समझ में आया बेटा, अब तुम बताओ, अब यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, अब व्हेन यहाँ कंसीडर कर लो, व्हेन तुम बताना व्हेन आर इज लेस देन क्या होगा ए, ठीक है, यही है ना पहला पॉइंट, तो तुम बताओ यहाँ देखो आर लेस देन का मतलब क्या, आर लेस देन ए नहीं है, आर लेस देन कैपिटल है, ठीक है, यहाँ ये बताओ इसके अंदर यही है ना आर लेस देन का मतलब क्या हो, ये पॉइंट यही हो गया ना आर, कहीं भी इस केस में एम डैश कितना है बता सकते हो, अरे मास कहाँ है यार, इधर है, इधर कुछ मास है क्या, नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे कि एम डैश इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जिधर मास नहीं है उधर फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो बड़ा आसान था यार, आ गया एक स्टेप में, देखो एक ही फॉर्मूला, एक विलन को याद रखना है, उसके बाद जितने विलन है सभी विलन तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे कैसे भी, दूसरा पॉइंट देख लो यहाँ, व्हेन क्या होगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, अब यहाँ ये ग्राफ भी पूछा हुआ है, ठीक है, ग्राफ भी इससे, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो अगेन यहाँ अगेन ई जी इक्वल टू क्या होगा जी एम डैश अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना ये स्फीयर है और एक स्फीयर है, ठीक है, हम जो रेडियस ले रहे हैं इधर ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये वाला मुझे मास लिखना होगा ना यार, यही एम डैश होगा ना, तुम बताओ एम डैश का मतलब क्या हुआ, इधर जितना मास होगा यही एम डैश होगा ना, यही आर है ना यार, यार ये तुमको कैपिटल आर दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है टू आर दिया हुआ है, ठीक है, अब एम डैश हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तुम मुझे बताओ, बता सकते हो यार, अब वही वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज करके देखो कितने, देखो तो 4/3 पाई इंटू क्या है 8r³ - r³ का मास क्या दिया हुआ है कैपिटल एम दिया हुआ है, अरे इस वॉल्यूम का तो मास दिया हुआ है ना यार, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो m अपॉन क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 7r³, तो m डैश कितना होगा, आई मीन इस वॉल्यूम में कितना मास, ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे यार बता सकते हो तुम, तो देखो अब यूनिट वॉल्यूम का मास मुझे मालूम चल गया, तो हम एम डैश लिख सकते हैं, एम डैश इक्वल टू क्या होगा m अपॉन 4/3 पाई
इंटू सेवन आर क्यूब इंटू फोर बाई थ्री पाई, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, सही है बेटा, यही होगा ना। अब देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से तुमको एम डैश मालूम चल गया कितना, एम अपॉन सेवन आर क्यूब इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, सही है, कोई डाउट नहीं है ना। अभी तुम शायद ही टेंथ क्लास के आए यार, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो आप लोग को आना चाहिए। अब हम फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तुम बताओ फील्ड कितना होगा इस केस में, ईजी इक्वल टू कितना होगा, देखो तो जी एम अपॉन सेवन आर क्यूब, ठीक है, इंटू देखो क्या होगा, आर माइनस आर क्यूब अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। ये कब फील्ड है, जब क्या होगा, जब r इज लेस देन क्या होगा 2r, ग्रेटर देन क्या होगा, ये भी मिल गया यार एक आपने को। देखो एक ही ट्रिक से मैं सब सॉल्व कर ले रहा हूं, दूसरा भी इसका मेथड है जो मैं बताता हूं। अभी देखो यहां हॉलो जो है क्या है, कैविटी जो है क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। तीसरा केस क्या है कि व्हेन, ये तो आसान है यार, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू आर, ठीक है, तो ईजी इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे जी एम डैश अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एम डैश देखो जब आर क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो इस स्फीयर के अंदर कितना मास होगा, एम ही होगा ना यार, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे एम, और ईजी इक्वल टू क्या लिखेंगे जी एम अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कभी कभी पूछा है यार, ठीक है, समझ में आया क्या, तो ग्राफ तुम बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो दो ने अब ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगेन मैं बता रहा हूं कि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं। किसी किसी बुक में देखना ग्राफ जो दिया होगा नीचे से दिया होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव में दिया होगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, वो तुम ऑप्शन के अनुसार जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ये मालूम चला, देखो मैं लिख देता हूँ ई जी इक्वल टू जीरो जब आर क्या है लेस देन आर है, ई जी इक्वल टू जी एम अपॉन सेवन आर क्यूब इंटू क्या होगा आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर जब आर क्या है, ठीक है, और इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर जब आर क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा, ठीक है। अब ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हो, पूछा जा सकता है यार ये ग्राफ, डर मत जाना तुम लोग, डर गए क्या देखो पहले देखो अंदर तो कुछ नहीं यार, कहां तक, तो रीजन तीन रीजन में डिवाइड कर दो इसको, देखो ये क्या है r इक्वल टू r, और ये क्या है r इक्वल टू टू यार, यहाँ क्या है फील्ड तो जीरो है भाई, इधर तो ई जी जीरो हो गया, जीरो है ना, दिख रहा है, इधर जो फील्ड है वो क्या है तुम्हारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ऐसे ही है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इधर क्या होगा, अब इधर ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी, तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या, आई मीन ऐसे, ये कुछ ग्राफ जो होगा इसका, ये जरूरी भी नहीं है केवल डॉट 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 मैंने दिखाया इसको, ठीक है, ये आप वैल्यू रख दो, r इक्वल टू क्या रखोगे तुम 2r रखो, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से ये ग्राफ का जो नेचर होगा क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। इसमें एक होमवर्क लिख लेना और उसको ट्राई करना, देखो
ये सॉलिड स्फीयर है, ये जो मास दिया हुआ है वैम दिया हुआ, यही सेंटर है और ये सेंटर सी वन होगा मान लो, ये जो रेडियस है वो क्या है आर है, और ये जो रेडियस है क्या है आर बाई टू, इसका मास एम दिया हुआ है, समझ में आया। ये क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर है जिससे क्या है आर बाई टू रेडियस का एक स्फीयर कट करके क्या किया गया है निकाल लिया गया है। तो तुमको ये प्रूव कर देना है कि कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे, ट्राई करना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को कि प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट एट जनरली एडवांस में एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं कि ये कैविटी इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, ए कैविटी ऑफ रेडियस r बाय 2 इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर एज शोन इन द फिगर विद द मास ऑफ द रेसिड्यूअल पार्ट। ये क्या है, मास टोटल स्फीयर का नहीं है, रेसिड्यूअल पार्ट का है। तो आपको यही कैविटी है, तो आपको ये बताना है कि प्रूव दैट एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म भी होगा, और आपको क्या करना है इसके अंदर जो वैल्यू होगा उसको क्या करना है। अब देखो थोड़ा इसमें हिंट्स देता हूं मैं, जिस तरह याद है सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि हम मान लेंगे कि टोटल, हाँ एक पॉइंट मैं लिख देता हूं देखो स्फीयर के लिए जिसका यूज होगा, जब भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना तो जो फील्ड मैंने लिखा था उसको डेंसिटी के टर्म में लिख, अब मैं इधर लिख देता हूं नोट में, उसको यूज कर लेना, वहां लिखना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब ये मान लेना कि टोटल पे क्या है प्लस एम मास है और इतने कैविटी पे क्या है माइनस एम मास है। ठीक है, इससे कोई भी पॉइंट पी कंसीडर करना और वेक्टर के फॉर्म में लिखना, आंसर आ जाएगा। दोनों के द्वारा क्या करना है, कैलकुलेट करना और आंसर आएगा। समझ में आया क्या, मान लो कि टोटल मास क्या है पॉजिटिव एम है और ये कैविटी जितना है वो क्या है निगेटिव में है, जब दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कैविटी बन जाएगा, जैसा कि सेंटर ऑफ मास के केस में बताया था। और फिर क्या करना, इस निगेटिव मास के द्वारा पी पे फील्ड लिखना, पॉजिटिव मास के द्वारा पी पे फील्ड लिखना और फिर आंसर बताना। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखो इसमें नोट में क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना, कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था कि फॉर सॉलिड स्फीयर Eg, देखो ध्यान से, इक्वल टू क्या होता है g m अपॉन क्या होता है r क्यूब इंटू r, यही जब r क्या होगा लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, और एक बताया था g m अपॉन क्या होगा r स्क्वायर जब r क्या होगा ग्रेटर देन r, यही बताया था। अब देखो मास को हम क्या लिखेंगे डेंसिटी के, देखो यहां से लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्या होगा एम अपॉन क्या होगा 4 बाई 3 पाई आर क्यू, यही होगा ना यार। तो रो के टर्म में लिख लो तो ज्यादा आसान होगा, जब भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप रो के टर्म में लिखते हैं। इजी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एम के जगह ये रखो एम बाई आर क्यूब की जगह रखो, तो हम क्या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो एम बाई आर क्यूब की जगह यहाँ रखो फर्स्ट केस, एम बाई आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा रो 4 बाई, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे 4 पाई रो जी अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा आर। ठीक है, अगेन यदि तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो तुम यहां माइनस साइन ये इंडिकेट करो, समझ में आया ना। ये तब हमने लिखा जब आर क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा आर, ये याद रखना, बाहर के लिए लिखना है
तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि m के जगह वैल्यू रख दो, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 पाई रो जी, ठीक है, अपॉन 3 आर क्यूब, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, और अगेन यहां भी हम क्या लिखेंगे माइनस आर क्यूब, जब आर क्या होगा, ये याद रखना कि जब भी क्या होगा फील्ड लिखोगे, ये माइनस साइन का मतलब क्या हो, देखो आर जो हम ले रहे हैं क्या है सेंटर से अवे, और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज किधर लगेगा टुवर्ड द ऑब्जेक्ट लगता है, इसलिए मैंने माइनस यूज किया है। तो तुम क्या करना, अब जो ये पॉजिटिव मास है उसके द्वारा टुवर्ड द फील्ड कंसीडर कर लेना, और नेगेटिव मास के द्वारा क्या करना इसके टर्म में लिखना, देखो ध्यान से, ये टोटल को क्या मान लो प्लस डेंसिटी मान लो और इतने को माइनस डेंसिटी मान लो, दोनों के द्वारा ऐड करोगे तो आसानी से क्या होगा आंसर आ जाएगा, और देखना जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और केवल सेंटर पे क्या होगा, दोनों के सेंटर के सेपरेशन पे क्या होगा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जब भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करना यूज करना, नहीं आएगा तो कल मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना वेरिएशन हो सकता है ऑलरेडी मैंने बताया, और कुछ और भी पॉइंट अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, तो इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट जनरली एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का कैविटी से रिलेटेड। अब अपने को क्या पढ़ना है, अब ये सब पढ़ लिए हैं तो बेसिकली एक पॉइंट पढ़ना है और क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, अभी स्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था तो उसको हेडिंग लिख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड ड्यू टू, सब बता दिया हूं अर्थ, ठीक है। तो देखो ध्यान से अब क्या हम पढ़ेंगे इसको, है ना, कि एक्स ई जी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूं कि हम इसको क्या बोलते हैं जी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं याद रखना, अर्थ के लिए केवल हम ई जी आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड को हम इसको क्या बोलते हैं जी, सो हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, जी का मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन, जैसा कि तुम लोग 9th-8th में भी पढ़े हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और इसी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन। अभी हम सारे रिजल्ट हमने बता दिया इसलिए अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से यही क्या है, ये स्फीयर है आई मीन ये अर्थ है, अर्थ के मास को हम क्या चीज से कंसीडर कर रहे हैं, एम ई इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ अर्थ, और फॉर द टाइम बीइंग तुमको मैं ही बता दूं कि नियरली जो होता है अर्थ का मास 6×10^24 kg होता है, ठीक है, ये याद रखना। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो कितना होता है, ऑन एवरेज रेडियस या जिसको मीन रेडियस बोलते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यही क्या है सेंटर है सी, और इसका ये रेडियस है जिसको हमने आर ई से डिनोट किया है। अब आपको क्या करना है ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था स्फीयर के द्वारा, जस्ट वही फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ केवल। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी, जी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अर्थ के लिए हम लोग ई जी को क्या चीज से डिनोट करेंगे जी। अभी मैंने लिखा था कि देखो जी एम अपॉन क्या होगा आर क्यू, यहाँ ये लिखना, ठीक है, जी एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो जी एम अपॉन आर क्यू इक्वल इंटू आर, अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा आर में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ आर इज लेस देन इक्वल टू आर, और दूसरा हमने देखा था कि जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर,
जब r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r, यही हमने देखा था ना यार, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में भी अभी लिखा था मैंने, अरे अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, इनसाइड जो होगा फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, आउटसाइड जो होगा फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। और तुमको मालूम है कि ऑन द सरफेस, देखो तो ऑन द क्या होगा सरफेस, क्या होगा ऑन द सरफेस, दैट इज यहां लिख लो, दैट इज आर इक्वल टू आर, जो जी अप आर होगा उसको हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, ये याद रखना है। तो जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसे भी याद रखना कि जी ऑफ आर इक्वल आर ई, मैं लिख रहा हूँ आर ई का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी एम एम ई भी लिख रहे हैं, इसका बहुत ही यूज होता है, ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एम ई लिख लेना, आर ई स्टैंड फॉर अर्थ, ठीक है, ये समझ में आया। जब देखो अब ग्राफ इसका, अगेन अभी मैंने बताया था तो अभी ड्रॉ नहीं करूंगा, तो देखो तुमसे पूछा जाए कि जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो सरफेस पे होगा, और सेंटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, समझ में आना, जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होगा, यहाँ आर इक्वल टू जीरो रख दो, सेंटर पे क्या होगा, आई मीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एट द सेंटर क्या होगा, जीरो होगा, सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा, और सरफेस पे आगे भी कम, आई मीन सरफेस से ऊपर जाओगे तो कम होगा, और सरफेस से अंदर भी जाओगे तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस जनरल रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद एच के अनुसार कैसे चेंज होता है उसको हम बाद में, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये तुमको क्या करना है, जी को क्या लिखोगे, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये तभी यूज होगा जब एनर्जी वगैरह लिखेंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब बेटा ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे, क्या देखो जी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब देखना किसी किसी बुक में नीचे दिया हो तो उससे तुमको टेंशन नहीं लेना है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये जो अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ये कई बार पूछा हुआ मुझसे, ठीक है। तो सरफेस पे जो क्या होगा, देखो आउटसाइड जो जी का वैल्यू होगा, आई मीन जी ऑफ आर जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनसाइड जो होगा क्या होगा, जी ऑफ आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर, और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, जी सबसे मैक्सिमम होगा, और ए जी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, जी हो जाएगा, इसका वैल्यू भी तुमको मालूम है 9.8 और क्या आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ये समझ में आया। तो यहाँ मैंने लिख दिया ये क्या है, जी फॉर अर्थ या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ, तो जी वर्सेस क्या है, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसमें एक बहुत अच्छा एस एच एम में मैंने बताया भी था कि एस एच एम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, और जब याद आया कि जब मैंने ये बताया था कि कोई अर्थ है और अर्थ के अंदर एक हमने टनल डग किया है, ठीक है, उसके क्या है? टनल डग किया है किसके अलॉन्ग, डायमीटर के अलॉन्ग, और सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, तो आपको ये प्रूव करना था कि इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2π अंडर रूट r बाई के आ रहा था, जी आ रहा था, और 84.6 मिनट ऐसे कुछ करके आ रहा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूँ, और फिर मैंने ये बताया था कि नहीं डायमीटर के अलोंग नहीं, किसी भी क्वाड के अलोंग भी टनल डग कर दो और आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे टनल में, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और टाइम पीरियड सेम ही होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा पार्टिकल का, वो आप टनल किधर कैसे डग कर रहे हो, आई मीन कैसे होल बना रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल क्या होगा, मीन पोजिशन और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, या एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी, आई मीन टाइम पीरियड विल बी रिमेन सेम, मीन पोजिशन क्या होगा चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, और वो टाइम पीरियड कितना होगा
उसको हमने बताया था 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको क्या करना है याद रखना। अब देखो क्या है, अभी तक हमने फील्ड हम लोग पढ़ लिए जितना वेरिएशन था आई थिंक कल, ठीक है। तुमको क्या करना है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जब भी लिखना है तो पहले क्या करो, फील्ड लिखो और फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फील्ड इंटू क्या होगा मास। जिस मास पे तुमको फोर्स लिखना है उस पे फील्ड लिखो और सॉरी वहाँ फील्ड लिखो उसके लोकेशन पे, और फील्ड इंटू मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ये टनल इज डग अलोंग द क्या होगा डायमीटर ऑफ ए डायमीटर ऑफ इस डायमीटर ऑफ अर्थ ये टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम। नाउ देखो, नाउ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज being is released from the surface into the tunnel, then prove that motion of particle is SHM and also find time period। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो स्टेप का है, दूसरा कुछ नहीं है, नहीं तो हम कुछ सोचते भी दो स्टेप का है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो अब डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, यही अर्थ है, और इसके डायमीटर के अलॉन्ग थोड़ा मैं बड़ा दिखा देता हूँ टनल, ठीक है। ये टनल डॉग किया गया है, यही टनल है, आई मीन होल किया हुआ है, एक रास्ता बनाया गया है, पगडंडी जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, पगडंडी बोलते हैं शायद, ठीक है। यही इसका सेंटर है, ये याद रखना कि जो मास अर्थ का कितना है, एम है। तो तुम बोलोगे सर आपने तो टनल डॉग कर दिया है, एक होल बना है, तो कुछ तो मिट्टी आपने कुछ तो मास निकाल करके फेंका होगा। तो यार इस मास के रिस्पेक्ट में इतना एक कम मास है कि हम मानते हैं कि जो टनल हमने बनाया है उसकी वजह से मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान दें इसका रेडियस आर। यहां से हमने क्या किया, देखो ध्यान से, यहां से हमने एक पार्टिकल जिसका मास का एम है रिलीज कर दिया, ठीक है। तो रिलीज करोगे तो यहाँ यू क्या है, जीरो है। बाद में इसी क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि यहाँ किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, तो वो अलग क्वेश्चन हुआ, जब हम एनर्जी अभी पढ़ेंगे उसके बाद। तो एट एनी टाइम टी पार्टिकल कहाँ है, मान लो कि यहाँ आ गया, यहाँ ये किस रेडियस पे है, आर रेडियस पे है, सेंटर से कितने यहाँ आ गया, टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज किया गया, एट एनी टाइम टी पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब फोर्स इधर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो पहले तुम बताओ जी एट
जी एट आर जब लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ, जी एट आर, जी क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड एट आर, कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि क्या करना है कॉन्सेप्ट में। पहले तो तुमको फोर्स लिखना है, एफ जी इक्वल टू क्या होगा ई जी इंटू क्या होगा मास, और यहां क्या लिखेंगे जी ऑफ आर इंटू मास लिखेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि ई जी हमने क्या माना है, जी माना है अर्थ के लिए, हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप फोर्स लिख डालो, ऑलवेज देखो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा टुवर्ड द सेंटर होगा, देखो जैसे ही यहाँ से ये इधर आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जैसे ही यहाँ से आगे जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा टुवर्ड द सेंटर, तो यहाँ से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ जब आएगा इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और फिर यहाँ से क्या होगा ये इधर आएगा आगे बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा अगेन सेंटर की तरफ, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा रुक जाएगा, लेकिन अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो फिर एक्सेलेरेट हो जाएगा, फिर जाएगा आएगा जाएगा, तो अभी ये मालूम चल गया कि सेंटर के अबाउट क्या है ये एम जो है स्मॉल एम जो है वो क्या है बैक एंड फोर्थ क्या है मूव कर रहा है, समझ में आया ना, जैसे देखो यहाँ से जब ये इधर जाएगा इधर तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा एफ जी इधर लगेगा, ठीक है, इधर है तो किधर लग रहा है एफ जी इधर लग रहा है, ये समझ में आया ना, तो एफ जी अब लिख दें डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, जी कितना होगा अभी हमने देखा था कि जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा आर इंटू एम, और यहाँ बेटा मैं माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन यूज कर दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो क्या है ऑलवेज रीस्टोरिक नेचर का है, ठीक है। अब एफ जी इक्वल टू क्या लिखोगे मास इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा एम इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ध्यान से देखना ए इक्वल टू क्या मिल गया माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो गया आर, तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि देखो आर क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द क्या होगा मीन पोजिशन, ठीक है। तुमसे यहाँ से कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो क्या होगा रेडियस के क्या हो जाएगा इक्वल है, अरे यही मीन पोजिशन होगा ना, सेंटर जो होगा मीन पोजिशन का मतलब क्या होगा जहाँ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा अर्थ के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो गया आर की, यहाँ से ये मालूम चल गया हम बोल सकते हैं हैंस, समझ में आया क्या, हैंस मोशन इज एस एच एम, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पाई, अरे ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट क्या होगा आर क्यू अपॉन क्या होगा जी एम, और इसको वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी के टर्म में आएगा, ठीक है। आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, वैल्यू रखोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, एक कैसे लिख दिया ये तुमको समझ में आया, अर्थ के सरफेस पे अभी मैंने बताया था कि वो कहाँ से लिखा, देखो g इक्वल टू क्या होगा जी एम अपॉन आर क्यूब सॉरी आर स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जी एम अपॉन क्या लिखना है आर, तो यहाँ से तुम जी एम जी एम का वैल्यू रख दो तो g इंटू क्या होगा आर स्क्वायर रखोगे तो यहाँ से ये मालूम चल जाएगा t इक्वल टू टू पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा आर बाई क्या हो जाएगा g, और ये 84.6 मिनट ऐसे ही शायद आता है, देख लेना तुमको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हाँ यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, तो इसे ही मालूम चल गया कि टनल यदि आप खोद रहे हो होल बना रहे हो और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो तो उसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक होगा, टाइम पीरियड ऑलवेज क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, और ये 84.6 मिनट आता है। यहाँ दो पॉइंट याद रखना है, मीन पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू क्या होगा रेडियस, ये याद रखना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में
कि जी का वेरिएशन क्या होता है, जो हम 9th क्लास में भी पढ़े हैं, इस पर इसको देख लेना अच्छे से, इस पर प्रैक्टिस करना। तो ये फील्ड तक, फील्ड का जो है ग्रेविटेशनल फील्ड्स पे लास्ट लेक्चर था, अब आप इस पर प्रैक्टिस करना, फिर जो डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।